ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब लोग? आई नो आप सब लोग एकदम ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, स्वस्थ हैं और अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के साथ जी रहे हैं। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही यूनिक, क्लाइमेक्स ऑफ योर लाइफ। अभी हो सकता है मेरे बहुत सारे ऐसे सोल फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि अपनी एक जिंदगी में स्टक हो चुके हैं, जहां उनको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड दे आर लिटरली वेटिंग फॉर अ क्लाइमेक्स इन देयर स्टोरीज। वो चाह रहे हैं कि कुछ क्लाइमेक्स होना चाहिए मेरी जिंदगी के अंदर, कुछ तो बदलाव होना चाहिए, मैं थक गई हूं या मैं पक गया हूं इस जिंदगी को जीते जीते। तो आज हम यही चेक करेंगे काज में कि आपकी जिंदगी में क्लाइमेक्स क्या आ सकता है, कब आ सकता है, कैसा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देयर इज एन ब्यूटिफुल सी रिक्वेस्ट मेरी साइड से कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो माय ब्यूटिफुल पीपल, देखते हैं आप लोगों की जिंदगी में क्या क्लाइमेक्स आने वाला है, क्या क्लाइमेक्स आप लोगों की जिंदगी में आने वाला है, क्लाइमेक्स ऑफ योर लाइफ। क्लाइमेक्स तो चल रहा है, क्लाइमेक्स तो चल रहा है, चांद के टुकड़ों, क्लाइमेक्स तो चल रहा है यार। हाँ, क्लाइमेक्स तो ऑलरेडी रन कर रहा है। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू, कुछ कार्ड्स और मैं निकालना चाहती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो क्लाइमेक्स तो चल रहा है। टावर का कार्ड है हमारे पास। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। किसी ने बहुत गंदा वाला आपको हर्ट किया है, किसी ने बहुत गंदा वाला आपको धोखा दिया है, या आपने किसी को धोखा दिया है, देना नहीं चाहते थे, मजबूरी में दिया है, लेकिन दिया तो है बॉस, और वो बहुत ही गंदा वाला दिया है कि सामने वाला टूट के रह गया है या आप टूट के रह गए हैं। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अपने आप को ऐसा देख करके, ना आपको अच्छा लगता है अपने पर्सन को ऐसा देख करके, या जिसको भी आपने हर्ट किया है या जिसको भी आपने धोखा दिया है। आप काफी ज्यादा निगेटिव फील करते हैं, रातों को नींद नहीं आती, आपको सुकून नहीं है आपके जहन में। आप चाहते हो कि दोबारा से 2-3 साल पीछे जाएं और आपको सारी मेमोरी आपको याद रहे, तो आप ना ये सारी गलतियां ना करें, है ना, ये आपके दिमाग में चलता रहता है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके घर के ऊपर बिजली गिर गई हो और सब कुछ जल गया है, आपके सपने कचूमर बन गए हैं और जिंदगी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड टर्न ले रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है, पता नहीं ये क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। गाइज, दिस इज अ ब्यूटिफुल बिग ट्रांसफॉर्मेशन। लोग टावर कार्ड को हमेशा एवं ही गलत बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टावर कार्ड गलत नहीं है। दिस इज नॉट अ नेगेटिव कार्ड फॉर मी। आई एम नॉट टेलिंग फॉर ऑल द कम्युनिटीज, बट आई एम टेलिंग फ्रॉम माई सेल्फ दैट मुझे लगता है कि ये कार्ड नेगेटिव नहीं होता है। दिस कार्ड सेज कि कुछ गंदा, इतना गंदा होना आपकी जिंदगी में कि कुछ बहुत बढ़िया स्टार्ट होने की बारी हो। तो कुछ तो ऐसा चल रहा है, मुझे यहाँ पे क्लाइमेक्स आता हुआ आपकी जिंदगी में दिख रहा है कि आप जिस भी एरिया में अभी रह रहे हैं, आप इस एरिया से ना निकलने वाले हैं। मतलब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे भी ट्रैवल, सी यहाँ पे भी ट्रैवल है एंड यहाँ पे भी ट्रैवल है। दीज टू कार्ड्स टेल मी अबाउट द ट्रैवल। ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे आप लोगों की जिंदगी में। तो बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ गाइस कि आप लोग ट्रैवल करने वाले हैं, आप लोग घूमने जाने वाले हैं, या हो सकता है कि आप बिल्कुल चेंज कर दें। सपोज करिए अभी आप दिल्ली रह रहे हैं, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अभी आप दिल्ली रह रहे हैं, फिर आप कहीं और चले जाएं, ठीक है, आप मुंबई चले जाएं, आप पुणे चले जाएं, या कहीं भी, आई एम जस्ट गिविंग ए एग्जाम्पल। ओके,
आप कहीं भी रह रहे हैं, हो सकता है ये सात समुंदर पार वाली ट्रिप हो, यात्रा हो, फॉरेन चले जाएं आप, आपकी जिंदगी करवट लेने को है, आपको स्थान परिवर्तन करने की जरूरत है, आपको अपना जो एरिया है वो चेंज करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी रुक गई है, थम गई है, चेंज द सिटी। इफ यू कांट चेंज एनीथिंग देन चेंज द सिटी गाइज। सिटी बदल दीजिए, जगह बदल दीजिए, प्लेस बदल दीजिए, आपको नई डायरेक्शंस दिखेंगी। ओके नई डायरेक्शंस दिखेंगी। वही चीज आप करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, आप अपना प्लेस चेंज करने वाले हो। अब काफी लोग ऐसे बैठे होंगे जो बोल रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं तो चेंज कर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अरे बापा कोशिश करो, कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर्स हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो कैसे ना तैसे करके डेस्टिनी आपसे ये करवा ही देगी, क्योंकि फूल का कार्ड है। आप एक तरीके की लापरवाह एनर्जी में आने वाले हो, लापरवाह एनर्जी इन सेंस लापरवाह नहीं बोलूंगी, एक तरीके की फ्री एनर्जी में आने वाले हो, जहां पर आप बस बस जी रहे हो, आपको नहीं पता। एंड ये एनर्जी सबसे अच्छी होती है, जहां आपको आपकी आपको पता है आपकी हेल्थ बड़ी खराब है, ठीक है, जहां आपको पता है कि आपकी जिंदगी काफी ज्यादा खराब है, जहां आपको ऐसा पता है कि भाई टावर चल रहा है मेरी लाइफ में, तो मुझे तो सुकून नहीं है, मेरी तो जिंदगी अच्छी नहीं है, बट आप जी रहे हो, जी रहे हो, क्यों जी रहे हो नहीं पता। नहीं पता, बस जी रहे हो, जी रहे हो, जी रहे हो। तो वो एनर्जी में आप आने वाले हो, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं आपकी जिंदगी में। इस एनर्जी में आते के साथ ही आप एम्प्रेस एनर्जी में, हाइप्रिस्टिक फॉर्म में आ जाएंगे, जहां पर आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, सिर्फ आपको ग्रोथ दिखेगा। आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो जहां पर आपको फर्क दिखना, पड़ना, समझ में आना, ठीक है, सब खत्म हो जाएगा, आप एम्प्रेस बन जाओगे। एंड क्लाइमेक्स फिर यहीं से ही स्टार्ट होगा, जब आपके पर्सन आपको देखेंगे। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन काफी ज्यादा नेगेटिव बन चुके हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उन्होंने आपकी जिंदगी को हेल बना दिया है, हेल से भी गंदा बना दिया है, उन्होंने आपकी जिंदगी को क्रश कर दिया, ऐसे क्रम्बल कर दिया है पेज की तरह, एंड डस्टबिन में थ्रो कर दिया है। तो आपकी फीलिंग्स को जो डस्टबिन में थ्रो कर रही हैं, जो आपकी आपके इमोशंस को स्क्रम्बल कर रही हैं, ऐसे स्क्वीज कर रहे हैं, पूरा क्रश कर रहे हैं, गाइस ट्रस्ट मी, उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा जब आप अपनी एनर्जीज को बदल देंगे। सो चेंज योर वाइब्रेशंस, चेंज योर एनर्जीज, बी इन दिस फॉर्म, फ्री कर दो अपने आप को, चेंज कर लो अपनी जगह। आप लोगों की जिंदगी में चेंजेस आ रही हैं, क्लाइमेक्स यही आने वाला है कि आपका प्लेस चेंज होगा। आपका प्लेस चेंज होने के साथ ही आप एक फ्रीडम के फॉर्म में आ जाएंगे, एंड फ्री होते के साथ ही आपके पास स्ट्रेंथ आएगी। बिकॉज अगर आप वेट कर रहे हैं किसी जॉब का, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी का, इन करियर एंड इन मनी फॉर्म, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी आते हुए देख रही हूँ। अभी नहीं, चेंज, सिटी चेंज या प्लेस चेंज करने के बाद आएगी आपको, ठीक है। आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, आपको न्याय जरूर मिलेगा, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनकी तरफ से तो न्याय आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, प्लान करना शुरू कर दीजिए, प्लानिंग्स करना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है, क्लाइमेक्स अब आने वाला है आपकी जिंदगी में। टोटली फ्री कर दीजिए अपने आप को, 100% फ्री कर दीजिए, इस हार्ट ब्रेक से अपने आप को निकाल दीजिए गाइस। जिंदगी में दिल टूटना और दिल का बनना, बस ये दो ही काम होते रहते हैं, है ना। तो अपने आप को इस चीज से निकालिए, विक्ट्री आपके साथ होगी। सिक्स ऑफ वांड्स द विक्ट्री कार्ड, विक्ट्री विल बी योर्स इफ यू आर बीइंग अ वेरी पॉजिटिव सेल्फ कंट्रोल्ड वे में आ जाएंगे ना आप अपने आप को फ्री कर देंगे, फ्रीडम में आ जाएंगे, आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी। क्लाइमेक्स यहीं से शुरू होगा। आपकी जिंदगी में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, ओल्ड पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी आ सकते हैं। आप बदल जाएंगे, आप बदल रहे हैं, वो आपके ट्विन है या प्योर सोलमेट है तो वो क्यों नहीं बदलेंगे, आप बदल रहे हैं तो वो भी बदलेंगे, ठीक है। उनकी एनर्जीज भी सुप्रीम लेवल पर जाएंगी, डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट लाइक दिस वे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी जिंदगी टर्न लेने को है, बहुत कुछ बदलने को है। कहते ना एक नेगेटिव सा पैटर्न चल रहा होता है, कंफ्यूजन का नेगेटिव सा पैटर्न चल रहा होता है, वो बदलने को है। टू ऑफ पेनिकल्स, थ्री ऑफ पेनिकल्स, दी हैंगमैन, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स।
अब क्लाइमेक्स यहाँ पर ये आएगा कि जो इंसान आपको इतना हर्ट करके गया है ना, वो वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में जब आप टोटली टोटली इस हार्ट पोजीशन से, इस हार्ट ब्रेक से, नेगेटिविटी से अपने आप को निकाल चुके होंगे। एंड फिर ये पर्सन आकर के ना आपको पूछने की कोशिश करेगा कि देखो ऐसे ऐसे था, सो व्हाट व्हाट यू एक्चुअली वांट। आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे, आप टोटली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि अरे बाप रे, अभी तो मैंने अपने आप को इस एनर्जी से निकाला था, एंड अगेन आई एम इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी। तो आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, या फ्रस्ट्रेट ना होकर के आप शांत हो जाएंगे टोटली, आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। टू ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, लेकिन ये कंफ्यूजन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे, या तो आप किसी नए को चुन लेंगे, ठीक है, विद द सिक्स ऑफ कप्स, या फिर आप अपने पुराने को ही विश फुलफिलमेंट मान करके उनको देख के कि हाँ भाई ये बदल चुका है, ये चेंज आ गया है इसके अंदर, आप चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आप इस पर्सन को अपना बना लेंगे, बना लेंगे। एक कार्ड में और निकालना चाहती हूँ, क्योंकि अपने पास एक कार्ड की जगह अभी है, तो हमें थोड़ा पता लग जाए कि क्या आप लोगों के लिए आ सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्लाइमेक्स तो भाई आप ही की तरफ से देख रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कोई क्लाइमेक्स ऐड करेंगे। नहीं, आपको बोला जा रहा है कि आप बदल जाओ, आपकी जिंदगी में क्लाइमेक्स आ जाएगा। आपको चेंज होने की जरूरत है, आपको चेंज होने की जरूरत है। ठीक है, ओके। सो वी हैव द लवर्स कार्ड, एंड आई गेस इस कार्ड के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों को समझ में आ ही गया है। फायरी क्लाइमेक्स आप लोगों की जिंदगी में आ ही गया है। आपका जो ट्रू मेट है ना, एक चीज हमेशा याद रखो, जो यू आर रेडी एंड यस बी असर्टिव, नॉट द राइट टाइम। तो ये सही समय नहीं है प्यार को अपनी जिंदगी में बुलाने का। शांत हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, आप तैयार हैं, चेंज करिए अपना प्लेस, चेंज करिए। ठीक है, और हाँ मैं बता रही थी कि जो सच्चा प्यार होता है ना, वो आपको कभी छोड़ के ही नहीं जाता। ठीक है, और अगर आपको कोई छोड़ के चला गया, दैट मीन्स कि उसका प्यार कभी आपके लिए था ही नहीं, तो उस चीज को भूल जाओ और एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। एंड अगर वो आप ट्रांसफॉर्म होके आपकी जिंदगी में आता है, तो देखो, जांचो, परखो और तभी हाँ करो। ओके, तो यही क्लाइमेक्स होने वाला है आपकी जिंदगी में। आप बदल रहे हो, आपकी जिंदगी बदल रही है, आपकी किस्मत बदल रही है, आप खुद चेंज हो रहे हो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। ओके, बाय।